Hello everyone, welcome back to our channel. How are you guys? Hope you all are good. So guys, ये बताएंगे आपको कि मुंबई से हिमाचल की जर्नी कैसे रही और क्यों आए हम लोग. तो गाइज, मेरा हिमाचल आने का एक रीज़न ये था कि मैं काफ़ी टाइम से घर नहीं आई थी. ईरा हो गई, प्रेगनेंसी एंड ऑल, मतलब 1.5 ईयर हो गया था कि मैं घर नहीं आ पाई थी. तो मैंने शायद आपको बहुत टाइम पहले बोला था कि बेबी मुझे घर जाना है, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे. लेकिन बीच बीच में ऐसा कुछ हो गया, कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे. तो अभी बीच में थोड़ा सा हमारा झगड़ा हो गया था, एक छोटी सी बहस हो गई थी, जो कि यू नो, जब इंसान को एक दूसरे से ज़्यादा प्यार होता है तो इंसान कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाता है. तो वो चीज़ हो गई थी, तो मुझे लगा कि मुझे घर जाना चाहिए, शायद थोड़ा सा टाइम मैं घर स्पेंड कर लूँगी तो शायद सारी चीज़ें सही हो जाएंगी. लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा और ज़्यादा याद आ रही है. शायद आपको भी मेरी बहुत याद आ रही है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ. और गाइज, वो गए हुए हैं आउट ऑफ कंट्री, तो उनका एक काम था, वो बाहर ही हैं अभी तक, और वो वहाँ पर जाके बहुत ज़्यादा बीमार हो गए हैं. और उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गया था गाइज, उनको गया वहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है. शादा को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, उससे 2 दिन पहले मुझे बोले थे बेबी आ जाओ. मतलब हम एक दूसरे को बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा ऐसे फील होता था कि आप आ जाओ. मैं चाहती थी वो हिमाचल आ जाए, वो हिमाचल आने वाले थे, लेकिन फिर मैंने बोला कि रमज़ान आ रहे हैं, हिमाचल आके अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं ही क्यों ना शादा को सरप्राइज़ दे दूँ. क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं आऊँगी 1.5 मंथ के बाद, ऐसा बोला था. लेकिन अभी शादाब जब घर जाएंगे, कल शादाब की रिटर्न टिकट है 2 तारीख की, तो वो कल पहुंचेंगे शाम को 8 बजे और मेरी फ़्लाइट है शाम की 12 बजे की, मतलब 8 बजे की फ़्लाइट है और मैं 12 बजे मुंबई पहुंचूंगी. और शादाब को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं इतनी जल्दी आने वाली हूँ घर में और उनका रिएक्शन कैसा होने वाला है, मुझे खुद नहीं पता गाइस. तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरा बेबी है, वो भी खुद अपने पापा को इतना मिस कर रही है, मैं आपको क्या बताऊँ. तो गाइस, हाँ मम्मा, बस चलो चलो चलो, हम जा रहे. और सेकेंड गाइस, शादाब ने बहुत ज़्यादा मुझे भी बोला कि बेबी आप आ जाओ, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी टिकट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी 2 तारीख की टिकट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी 3 तारीख की टिकट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता. फिर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, ये थोड़ा सा बहाना दे दिया मैंने. नहीं, काम तो था, लेकिन मैं डिले कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि शादाब की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा. और बहुत ही ज़्यादा शादाब को ऐसा लग रहा है कि मैं कब आऊँ, और मैंने बोल दिया मैं 1 मंथ के बाद आऊँ. तो लाइक, मुझे आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया. तो चलो देखते हैं. So guys, हम लोग जा रहे हैं फाइनली घर छोड़ के. तीन करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद. अब बॉम्बे को जा रहे हैं और देखते हैं रमजान के बाद फिर वापस आएंगे. चुप भाई, चुप ले, तेरा इंटरव्यू भी चल रहा है यहाँ पे. फाइनली हमारी गाड़ी आ चुकी है, हम लोग जा रहे हैं. पहुंचने वाली है और मैं भी पहुंच जाऊंगी 2 घंटे में ना. हाँ, 2 घंटे में मैं भी पहुंच जाऊंगी, मुझे तो याद भी नहीं रहता है. तो एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, देखते हैं. मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे गाइज, और अभी शायद अभी 10 से 15 मिनट
हुए अभी उन लोग को घर पहुंचे हुए, लेकिन मेरा प्लान चौपट होने वाला था अगर मैं अली भैया से नहीं पूछती कि वो लोग कहाँ पे हैं। वो लोग भी खुद ओबेरॉय मॉल के पास थे और मैं भी पहुंचने वाली थी, तो अभी देखते हैं कि मैं वो चीज़ कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती, उससे मिल पाती हूँ या नहीं मिल पाती। हुसैन कहाँ है? शादा कहाँ? ऊपर लाइट ऑन कर दो जेंटलमैन। हेलो हुसैन भाई, पकड़ना चाहते हैं। तुम लोग म्यूजिक म्यूजिक बजाओ। अली भाई, अली भाई, अली भाई स्माइल तो देखो। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, लेकिन मेरे को चक्कर आ गया बहुत ज्यादा, मतलब तबियत खराब हो गई। मैं ना कलदारे का मिल करके टिकट करवा था तुम्हारी का, तो फिर बताया। अरे फिर क्या हुआ मालूम है, अमृतसर के लिए 16 घंटे का हॉल्ट था वहाँ दिल्ली में, तो फिर मैंने अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।